ऐसा नहीं है कि भारत में फसल ठीक से नहीं हुआ है जिसके चलते तेल का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसा क्या रीज़न है? हेलो दोस्तों, स्वागत है। आजकल आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि पहले हम लोग तेल की कीमतों में पेट्रोल या डीजल के बारे में ही बात करते थे, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के साथ साथ खाने वाले जितने भी तेल है, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, इन सब का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। तो आप लोग के मन में ये जरूर चल रहा होगा कि क्या इस लॉकडाउन में आदमी घर में सिर्फ तेल ही पी रहा है क्या, या फिर इंसानों ने अपने खाने का जो फूड हैबिट है वो बदल दिया है जिसके चलते तेल का रेट इतना बढ़ गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर तेल का रेट भारत में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग से एक रेट शेयर करता हूँ जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये रेट जो है 28 मई 2020 को जारी किया गया है। इस रेट से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना जो है वो पिछले के मुकाबले में अभी जो रेट बढ़ा है वो कितना बढ़ा है। इसमें आपको दिख रहा होगा जो ये मूंगफली का तेल है इसमें 20% का इजाफा हुआ है दोस्तों, सरसों का ऑयल में 44% का, और बाद बाकी जितने भी खाने वाले ऑयल हैं तेल हैं वो उन सब में इतना ज़्यादा रेट बढ़ा है कि पिछले 11 सालों का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया है। बीते दिनों में जो तेल का रेट बढ़ा है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत में फसल ठीक से नहीं हुआ है, फिर भी जितने भी खाने वाले तेल हैं उसमें से 30% में सबका इजाफा हुआ है। मतलब ये इजाफा देख के गवर्नमेंट भी हैरान। इसका पहला रीज़न यह है दोस्तों कि हम लोग भारत के अंदर जितना तेल खाते हैं उसका अधिकतर तेल हम लोग बाहर से आयात करते हैं। आयात करते हैं मतलब कि दूसरे देश से मंगाते हैं। हम लोग के भारत में 24 मिलियन टन तेल की आवश्यकता है खाने में, साबुन सर्फ बनाने में, लेकिन हम लोग के यहाँ पे जो पैदावार होती है वो इसकी आधी है। जैसे कि हम लोग को 24 मिलियन टन की आवश्यकता है, भारत को 24 मिलियन टन तेल की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग के यहाँ पे सिर्फ 10 से 12 मिलियन टन ही हम लोग भारत में बना पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आधा से ज़्यादा तेल है जो हम लोग बाहर से आयात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों से लाते हैं। हम लोग का भारत 56% मतलब आयात पे निर्भर करता है, उधर से जो तेल आता है उस पे निर्भर कर। इसको ऐसा समझिए कि हम लोग के भारत में 100 लीटर तेल का जरूरत है, जिसमें से हम लोग 56 लीटर जो है ना वो दूसरा देश से मंगाते हैं, सिर्फ 44 लीटर ही है जो हम लोग भारत में बनाते हैं। जैसा कि कोरोना का संकट पूरे दुनिया के देशों में चल रहा है, तो उन देशों के द्वारा एक्सपोर्ट ड्यूटी का बढ़ा देना, मतलब जो वहाँ से हम लोग का तेल आ रहा है उस पर टैक्स का बढ़ा देना, जिसके चलते हम लोग को यहाँ पे जो तेल मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है। तो पहला रीज़न समझ गए दोस्तों कि तेल जो है वो क्यों महंगा मिल रहा है, यह है पहला रीज़न। दूसरा रीज़न यह है दोस्तों कि इसको ठीक से समझिएगा, 1993 में प्रति व्यक्ति यानी कि प्रत्येक इंसान का एक महीने का खपत जो तेल था वो 300 ml था। उसके बाद 2006 में यह 600 ml हो गया, यानी कि उसका डबल हो गया कि प्रति व्यक्ति जो तेल का खपत है प्रति माह वो 600 ml हो गया। किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा अगर अभी की बात करें दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति तेल की खपत प्रति माह वो 1.5 किलो हो चुकी है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते ऑब्वियसली है कि तेल का रेट भी बढ़ेगा ही। तीसरा फैक्टर यह है दोस्तों कि भारत में पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने के चलते इन लोगों ने बायोडीजल बनाना शुरू कर दिया। और बायोडीजल एक्चुअली में कैसे बनता है, तो बायोडीजल जो बनता है वो खाने वाले तेल का यूज़ करके ही बनाया जाता है। एक तो हम लोग के यहाँ पर जो हम लोग बनाते हैं तेल, भारत में जो तेल बनता है वो ऐसे ही कम है, और इन लोगों ने अब क्या किया कि जो खाने वाला तेल है उसका यूज़ करके बायोडीजल बनाना शुरू कर दिया, यानी कि गाड़ियों का ईंधन सस्ता करने के चक्कर में इंसानों का जो ईंधन है वो महंगा होते जा रहा है। तीसरा और लास्ट फैक्टर यह है दोस्तों कि अभी जिस तरह से पूरी दुनिया कोविड जैसे महामारी से जूझ रहा है, उस टाइम में चाइना क्या कर रहा है कि वो तेल का जो इम्पोर्ट है वो बढ़ा दिया है, यानी कि अब क्या कर रहा है कि वो तेल का डिमांड उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो बहुत ज़्यादा तेल क्या कर रहा है कि वो दूसरे देशों से मंगवा के स्टॉक में जमा करना शुरू कर दिया है। तो यही सब टोटल फैक्टर्स है दोस्तों जिसके चलते हम लोग को भारत में तेल इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो ये सब फैक्ट जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।